उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ में एक प्रत्याशी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर सभी अचंभे में हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी को दंडित करने के लिए चप्पलों की माला पहनाई जाती है, लेकिन अलीगढ़ से लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव ने चप्पलों की माला पहनकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जिसे देखकर सभी लोग अचंभित हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी होकर आज चुनाव आवंटन हुए हैं चिन्ह, जो हमारा चुनाव चिन्ह चप्पल है, और इस चुनाव चिन्ह चप्पल को लेकर हम जनता में भ्रष्टाचारियों के विरोध में जो काम करते आए हैं उसे लेकर के वोट मांगने जा रहा हूँ। क्या किया है आपने, माला बनाई है? ये हमने अपने चुनाव चिन्ह की माला बनाई है। कितनी माला, कितनी चप्पल है? इसमें 7 चप्पल हैं, 7 चप्पलों की माला है। ये इसलिए बनाई है कि जब हमारा चुनाव चिन्ह चप्पल है तो हमने ओरिजिनल सिंबल लिया है, इसके कोई कपड़े का फर्जी सिंबल नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है माला चप्पल? अरे इतनी बढ़िया है कि भाई चप्पल, जब हमारा चुनाव चिन्ह चप्पल है ओरिजिनल सारा है हमारा, जो करेगा भ्रष्टाचार अत्याचार जनता आपके अपने चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर लगाएगी, उनमें चप्पल 4। दरअसल अलीगढ़ में नामांकन के बाद प्रत्याशियों को निर्वाचन कार्यालय द्वारा चुनाव चिन्ह वितरित किया गया, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव को चुनाव चिन्ह चप्पल मिला, जिसके बाद ही वे 7 चप्पलों की माला खुद अपने गले में पहनकर लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है।